हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज के प्रैक्टिस सेट में हैं। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस को देखिएगा शुरू से लास्ट तक, बीच में स्किप मत कीजिएगा और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। लगातार मेहनत करने वाला ही सफल होता है। जैसा कि आपके बिहार या स्टेट 2024 का एग्जाम पेपर वन का 18 मई से 29 मई तक है और पेपर टू का 18 से 20 जून तक है। तो आपका फिजिकल एजुकेशन का 29 मई को शायद पड़ा हुआ है। आप सभी एडमिट कार्ड निकाले होंगे तो पता चला होगा 29 मई को। एंड दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन की किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन मैंने चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाया हुआ है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में मैंने 79-80 वीडियोज का बीपीएससी टीआई 2 में प्रैक्टिस कराया हुआ है। 2024 के प्रैक्टिस सेट का ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए 62वां वीडियो है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड कप ट्रॉफी का क्या नाम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो मैंने आपको बताया हुआ था, एक ट्रिक बताया हुआ था कि महिलाएं बैडमिंटन खेलते खेलते थक गई और पुरुष थम गए, यानी कि उब गई बैडमिंटन खेलते खेलते, यानी उबेर कप। ठीक है, तो महिलाओं के लिए वो बैडमिंटन वर्ल्ड कप ट्रॉफी का क्या नाम है, उबेर कप, जिसकी शुरुआत 1957 में हुआ। एंड पुरुषों के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम है थॉमस कप, जिसका शुरुआत 1948 से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोते समय कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों, सोते समय जो है प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए बोला जाता है कि रात को दूध पीकर सोने के लिए, क्योंकि सोते समय प्रोटीन जो है हमको ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, आइसोकाइनेटिक मेथड की खोज किसने किया था। तो दोस्तों, आइसोकाइनेटिक की खोज जेम्स फ्राइड ने किया था। आइसोकाइनेटिक की खोज किसने किया था, जेम्स ओवन फ्राइड ने किया था 1960 में, कहीं 1968 दिया हुआ होता है। ठीक है, तो बुक में 1968 जेम्स ब्रायन दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में 1960 भी राइट हो जाता है। तो आपको स्ट्रेंथ डेवलप करने की तीन विधियां हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक की खोज 1953 में हेडिंगर मुलर ने किया था एंड आइसोटोनिक की खोज 1954 में ली डोनी ने किया। आइसोकाइनेटिक की खोज जेम्स फ्राइड ने 1960 या 1968 में किया। नेक्स्ट है, रिएक्टिव मेथड को और किस नाम से जाना जाता है। तो रिएक्टिव मेथड को प्लायमेट्रिक मेथड के नाम से भी जाना जाता है। प्लायमेट्रिक टेक्निक मेथड जो होती है, इसमें विस्फोटक शक्ति का विकास होता है, जिसमें गति और शक्ति दोनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, रिएक्टिव मेथड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो रिएक्टिव मेथड का प्रयोग यूरी बरखोंस्की ने किया था। नेक्स्ट है, प्रदर्शन को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विधियों से प्रशिक्षण प्रदान करना क्या कहलाता है। तो प्रशिक्षण को, प्रदर्शन को जो परफॉर्मेंस है उसको उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसी क्रॉस ट्रेनिंग बोला जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने 1977 में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंतर्गत कॉन्ट्रास्ट विधि का प्रयोग किया। तो वो है आपके बुच सेवानोव। ठीक है, बुच सेवानोव ने। नेक्स्ट है, मोर्गन तथा एंड्रेसन ने स्ट्रेन को विकसित करने के लिए किस परीक्षण को तैयार किया। तो एडम्सन एंड मोर्गन ने, दोस्तों आपको पता है
की सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार किया था जो 1957 में किया गया था। नेक्स्ट है एशियन खेलों का मोटो इवन आवर्ड यानी हमेशा आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि एशियन खेलों का मोटो क्या है, इवन आवर्ड है हिंदी में हमेशा आगे की ओर। तो इसकी इवन आवर्ड किसके द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर जी डी सोंधी जो एशियन गेम्स के पितामह कहे जाते हैं। नेक्स्ट है एजिलिटी यानी चपलता निम्न में से किससे नापी जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 मीटर स्प्रिंट टेस्ट ये आपके स्पीड को मापता है, बॉस स्टिक टेस्ट ये आप बैलेंस को मेजर करता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ये एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग को यानी पैरों की विस्फोटक क्षमता को मेजर करता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख बर्फी टेस्ट और स्क्वाड थ्रस्ट ये एजिलिटी यानी कोऑर्डिनेशन को मेजर करता है। नेक्स्ट है मल्टी एक्सियल ज्वाइंट कौन सा है, तो यूनी एक्सियल बाई एक्सियल मल्टी एक्सियल। यूनी एक्सियल मतलब एक अक्ष में गति, बाई एक्सियल यानी दो अक्ष में गति, मल्टी एक्सियल यानी दो से ज्यादा अक्ष में गति। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि यूनी एक्सियल में हमारा हिंज ज्वाइंट आ जाएगा जिसमें हमारा कोहनी एक ही तरफ मुड़ता है जैसे दरवाजे की तरफ, बाई एक्सियल में हमारा कैंटिलीवर ज्वाइंट आ जाएगा हमारा रिस्ट यानी कलाई का जोड़, एंड मल्टी एक्सियल ज्वाइंट में आपको पता ही है जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आता है। ठीक है, जिसमें हिप और शोल्डर ज्वाइंट आया गया। नेक्स्ट है अगर परीक्षण 10 लोगों द्वारा लिया जा रहा हो और सभी का परिणाम एक जैसा हो तो उसे क्या कहेंगे, दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते ही आपने आंसर दे दिया होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा आपका ऑब्जेक्टिविटी। इसमें क्या किया जाता है, किसी परीक्षण को टेस्ट करने के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं उनको लाया जाता है और सभी अपने अपने अनुसार उसको परीक्षण करते हैं और यदि सभी का परिणाम एक होता है तो माना जाता है कि वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, रिलेबिलिटी में क्या होता है कि किसी टीम पर उस अभ्यास को बार बार प्रयोग किया जाता है और हर बार परिणाम सेम आए तो उसे हम रिलेबिलिटी यानी विश्वसनीय मानेंगे। वैलिडिटी क्या होता है कि जिस परीक्षण को जिस लिए बनाया गया है उस वह उसी चीज को मेजर करे तो कहा जाता है कि यह वैध है। ठीक है, और नॉर्म्स में क्या किया जाता है, स्तर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में पोषक तत्वों से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान NIN यानी निन कहाँ स्थित है, NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, दोस्तों यह है आपका हैदराबाद में स्थित, कहाँ पे है, हैदराबाद में। नेक्स्ट दोस्तों एशिया की धरती पर पहला कौन सा ओलंपिक आयोजित किया गया था, तो दोस्तों 1964 टोक्यो जापान। ठीक है, 1964 टोक्यो जापान ओलंपिक, और फिर कहाँ पे 1908 बीजिंग चीन में हुआ था एशिया में ही, एंड फिर 2020 टोक्यो जापान में एशिया में ही हुआ। अब पहली बार 1964 टोक्यो जापान में किया गया। नेक्स्ट है भारत ने ओलंपिक में पहला पदक कब जीता, तो पहले बात ये जानिए कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग कब लिया था, तो 1935 फ्रांस में, और आधिकारिक रूप से भाग कब लिया था, तो 1928 एमस्टरडम हॉलैंड में। तो ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया था 1935 फ्रांस में, जिसमें कौन भाग लिया था दोस्तों, भारत के एंग्लो इंडियन नागरिक नॉर्मन प्रिचार्ड, और वह 200 मीटर दौड़ और 200 मीटर बाधा दौड़ में दूसरा स्थान यानी कांस्य पदक प्राप्त किए थे। तो सबसे पहले पहला पदक जीता जेम्स नॉर्मन प्रिचार्ड ने, और 1935 फ्रांस में, यहाँ पे 1900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है स्कल ज्वाइंट में एकमात्र ऐसी कौन सी संधि है जो गति करती है, तो हमारे जो खोपड़ी है उसमें एक ही ऐसी संधि है जो गति करती है, वो है हमारा निचला जबड़ा। ठीक है, निचला जबड़ा जिसे मैंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं, हमारे शरीर की सबसे
मजबूत हड्डी कौन सी है? निचले जबड़े की मैंडिबल। ठीक है, तो निचला जबड़ा का जो मैंडिबुलर ज्वाइंट है बस वही गति करती है, जैसे आप बोल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो आपका निचला जबड़ा ही गति कर रही है और सब स्थिर है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंसेफेलॉन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रेन को कहा जाता है इंसेफेलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोएटिन नामक रसायन जो डोपिंग के अंतर्गत आता है किस प्रकार के खिलाड़ी प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों यह एंड्योरेंस स्पोर्ट्स वाले खिलाड़ी प्रयोग करते हैं, क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, यदि आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुँचाएगा जिससे डेथ करने की क्षमता बढ़ेगी। तो एरिथ्रोपोएटिन जिसको शॉर्ट में EPO भी कहते हैं और यह मुख्य रूप से RBC के उत्पादन को नियंत्रित करता है और यह साइटोसिन होता है RBC के लिए बोन मैरो में प्रीकर्सर का कार्य करता है एरिथ्रोपोएटिन। और इस प्रकार EPO यानी कि एरिथ्रोपोएटिन के द्वारा बोन मैरो की जो स्टेम कोशिका होती है उसको उत्तेजित किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा डोपिंग एजेंट्स है जो बोन मैरो के स्टेम कोशिका को उत्तेजित करता है जिससे जो है RBC का उत्पादन बढ़ जाता है और मात्रा में RBC की वृद्धि होने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है जो एक अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। कृत्रिम रूप से इसके सेवन से सहनशीलता तथा स्टेमिना बढ़ाया जाता है तथा रक्त द्वारा ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, बैट्समैन द्वारा छक्का यानी 6 रन मारने पर कौन से लीवर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें अगर बैट्समैन बॉल को मार रहा है, छक्का मार रहा है या कुछ भी चौका मार रहा है तो उसमें कौन से लीवर का प्रयोग होगा? तो जब वो मार रहा है तो बीच में फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है? फोर्स। तो बीच में फोर्स लगाएगा तो कौन सा लीवर हो जाएगा? मैंने आपको बताया ही था FAR312। ठीक है, तो फोर्स किसके नीचे आ रहा है? थर्ड क्लास के लीवर में फोर्स बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, फर्स्ट क्लास के लीवर में एक्सिस बीच में और सेकंड क्लास के लीवर में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होगा। तो यहाँ पे बैट्समैन द्वारा छक्का लगाना, छक्का मारना वो थर्ड क्लास के लीवर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सीटअप हो गया वो भी थर्ड क्लास के लीवर में आएगा। ठीक है, एंड थर्ड क्लास लीवर में जो हमारे बॉडी में जो है आर्म फ्लेक्शन आएगा एंड थाई फ्लेक्शन, हैमस्ट्रिंग कर्ल, घुटने का मोड़ना एंड सीटअप लगाना, हाथों को ऊपर उठाना, ये सभी थर्ड क्लास लीवर में आएंगे, याद रखिएगा। सेकेंड क्लास लीवर में आपका प्लांटर फ्लेक्शन, पुशअप लगाना, जबड़े का खुलना बंद होना एंड बास्केट वो वॉलीबॉल में पंजे से जंप लेना, ये सेकेंड क्लास लीवर में का एग्जाम्पल है। फर्स्ट क्लास लीवर में आपका एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म एंड एंकल फ्लेक्शन एंड सिर को आगे पीछे झुकाना एंड वॉलीबॉल में स्मैश करना, वी सीटअप, ये आपका फर्स्ट प्रकार के लीवर में आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मिट्रल वाल्व हृदय के किस तरफ पाया जाता है तथा यह अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चार प्रकार के वाल्व होते हैं, चार। पहला होता है आपका दाएं अलिंद दाएं निलय के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा आपका बाएं अलिंद बाएं निलय के बीच मिट्रल वाल्व जिसे बाई कैस्पिड वाल्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आपका बाई कैस्पिड वाल्व आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर घो यहाँ पे राइट होगा। एंड पल्मोनरी वाल्व जो होता है वह जो है पल्मोनरी धमनी और दाएं निलय के बीच होता है जो अशुद्ध जिसके द्वार के रास्ते अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी के रास्ते जाता है शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में। चौथा वाल्व होता है आपका महाधमनी और बाया निलय के बीच जिसे एरोटिक वाल्व कहते हैं, जहाँ से बाया निलय जब संकुचित होता है तो शुद्ध रक्त एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी के द्वारा समस्त अंगों में भेजा जाता है। नेक्स्ट है, उस संधि का नाम बताइए जो अचल संधि, अचल होने के बावजूद चल संधि के पास स्थिर रहता है।
तो सबसे पहले आप तो देखिए यहाँ पे एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट जो होता है वो अचल संधि है, फिर भी चल संधि के पास स्थित है ज्वाइंट पर, ठीक है। तो एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट जो होता है जिसको सिनेमोसिस या लंबे स्पाइबर तंतु ज्वाइंट भी कहा जाता है, ठीक है, या टिबिया और फिबुला हड्डी का निचला जोड़ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटअप किस लीवर का उदाहरण है। कई बार आपने देखा है जब सीटअप लगाते हैं डायरेक्ट फोर्स आपके पेट यानी स्टोमच पर पड़ता है और यानी बीच में फोर्स पड़ रहा है तो कौन सा लीवर होगा, तो जब बीच में फोर्स होगा तो हमेशा थर्ड क्लास लीवर होगा, याद रखिएगा। तो 22 का आपका राइट हो जाएगा गॉट थर्ड क्लास लीवर। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होने जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वह दोहा कतर में हुआ है, कहाँ हुआ है, दोहा कतर में हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, दोहा कतर में हुआ है। एंड पहला फीफा वर्ल्ड कप 13 जुलाई 1930 में उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में हुआ था, ठीक है। एंड 2022 के दोहा कतर में फीफा वर्ल्ड कप का विजेता है अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस। नेक्स्ट दोस्तों सीकम किस तंत्र का भाग है। तो आपको पता है सीकम कोलन मलाशय ये आपके बड़ियात यानी लार्ज इंटेस्टाइन के भाग है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है, पाचन तंत्र का। नेक्स्ट दोस्तों लैम्बोइड सूचर किन हड्डियों के मध्य पाया जाता है। सूचर खोपड़ी के जोड़ को सूचर यानी अचल संधि के अंतर्गत आता है, तो खोपड़ी के जोड़ को सूचर कहा जाता है, ठीक है। तो खोपड़ी के जोड़ के सूचर कहा जाता है, तो सूचर के अंतर्गत 3 ज्वाइंट आते हैं, ठीक है, सेजिटल सूचर, 3 प्रकार के सूचर आते हैं, सेजिटल सूचर, क्रोनल सूचर एंड लैम्बोइड सूचर। जो सेजिटल सूचर होता है वो पैराइटल हड्डी का जोड़ जो सबसे बड़ा सूचर होता है, जो क्रोनल सूचर होता है वो फ्रंटल हड्डी का जोड़ होता है जहाँ से पैराइटल से जुड़ी रहती है, और जो तीसरा होता है लैम्बोइड सूचर ये पैराइटल हड्डी से जहाँ से ऑसिपिटल हड्डी जुड़ी रहती है वहाँ पे होता है। यहाँ पे ये पैराइटल और ऑसिपिटल के मध्य हड्डियों के मध्य पाया जाता है लैम्बोइड सूचर। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों अचल संधि जो लंबी तंत्रों से जुड़ी रहती है उसे क्या कहा जाता है। तो अचल संधि जिसे सिनेमोसिस या लंबे फाइबर तंतु का ज्वाइंट कहा जाता है वो होता है आपका सिनेमोसिस, ठीक है, सिनेमोसिस लंबे फाइबर तंतु के ज्वाइंट जिसमें टिबिया एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट आता है, जिसमें कौन सा ज्वाइंट आता है, एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट आता है। अचल संधि के अंतर्गत हमारा खोपड़ी का जो जिसे हम सूचर कहते हैं जिसमें सजिटल सूचर, क्रोनल सूचर और लैम्बोइड सूचर आता है, एंड दूसरा सिनेमोसिस लंबे फाइबर तंतु का ज्वाइंट जिसे एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट आता है, तीसरा होता है गोम्फोसिस जिसे पेग एंड साकेट ज्वाइंट भी कहते हैं जो दांतों का जोड़ होता है, चौथा सैक्रो इलियक ज्वाइंट जो सैक्रम हड्डी की बाहरी भाग इलियक हड्डी से जुड़ा होता है कुल्हे में स्थित। नेक्स्ट दोस्तों क्रॉस कंट्री नामक शब्द में कंट्री से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे कंट्री से तात्पर्य है टेरेन, ठीक है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ जंगल झाड़ी वाला रास्ता। नेक्स्ट है पूर्णिमा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो पूर्णिमा ट्रॉफी जो है वॉलीबॉल के में महिलाओं की राष्ट्रीय ट्रॉफी है, तो यह वॉलीबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, वॉलीबॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट दोस्तों एनबीए का फुल फॉर्म क्या है। एनबीए का फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, यहाँ पे क राइट हो जाएगा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट है कृत्रिम रूप से मूत्र के रास्ते डोपिंग के एजेंट को बाहर निकालने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहा जाता है कैथेटराइजेशन, क्या कहा जाता है, कैथेटराइजेशन। ये डोपिंग को छुपाने का एक साधन है जिसे छल साधन भी कहा जाता है।
डोपिंग को छुपाने का साधन है, जिसे छल साधन भी कहा जाता है। ठीक है, तो डोपिंग को छुपाने का साधन है जिसके अंतर्गत छल साधन के अंतर्गत डोपिंग को छुपाने को में मूत्र के नमूने को ही बदल दिया जाता है, जिसमें पहला होता है मूत्र के नमूने को बदल देना और दूसरा होता है अंतःशिरा सम्मिश्र। मूत्र के नमूनों में बदलने के लिए दो चीजें दो प्रकार के होते हैं, कैथेटराइजेशन जिसमें एक खास नली के द्वारा पेशाब की थैली से मूत्र को निकाल दिया जाता है, दूसरा होता है यूरिन सप्टीटेशन या स्वैपिंग या एरल्ट्रेशन या पोट्रीशन भी कहा जाता है, जिसमें मूत्र के नमूनों को ही बदल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल किससे मिलकर बना है, कोलेस्ट्रॉल किससे मिलकर बनता है? तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जो होता है फैट्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फैट्स एंड प्रोटीन, यहाँ पे फैट एंड प्रोटीन क ख दोनों राइट होगा। नेक्स्ट है 4x400 मीटर रिले रेस में बैटन टेक ओवर जोन, जो बैटन एक्सचेंजिंग जोन होता है, कितना लंबा होता है? तो दोस्तों 20 मीटर लंबा होता है। ठीक है, बैटन एक्सचेंजिंग जोन कितना होता है? 20 मीटर लंबा होता है। नेक्स्ट है एक्सपेरॉइड सिस्टम का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों एक्सपेरॉइड सिस्टम का संबंध टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट है चेस के निर्णायक को क्या कहा जाता है? जो चेस यानी शतरंज के निर्णायक होते हैं उसको आर्बिटर बोला जाता है। नेक्स्ट है किस ओलंपिक में डोपिंग पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो किस ओलंपिक में? तो 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटेट नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कैपिटेट नामक हड्डी जो है वह कलाई यानी रिस्ट में जो एक कार्पस अस्थि का जोड़ होता है वहां पे पाया जाता है, यहाँ पे रिस्ट आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है पारंपरिक खेलों को किस तकनीकी, पारंपरिक जो खेल हैं, पारंपरिक नहीं दोस्तों, पारंपरिक खेलों को किस तकनीकी नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है एंडीजेनस तकनीकी नाम से। नेक्स्ट है कैलिस्थेनिक्स अभ्यास किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फ्री हैंड एक्सरसाइज को कैलिस्थेनिक अभ्यास कहा जाता है, फ्री हैंड एक्सरसाइज को कैलिस्थेनिक अभ्यास कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों मायोग्लोबिन जो मसल्स प्रोटीन होता है किस प्रकार के अभ्यासों में लाभदायक है? तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो मांसपेशियों में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांध के रखता है, तो ये होता है आपका मायोग्लोबिन। और ये किस प्रकार के अभ्यासों के लिए लाभदायक होता है? तो एरोबिक जो सहनशीलता वाले अभ्यास होते हैं उसमें ज्यादा लाभदायक होता है। नेक्स्ट है जिस प्रकार सामान्य पाठ योजना में मनोरंजन खेल होते हैं उसी प्रकार विशिष्ट पाठ योजना में क्या होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस प्रकार सामान्य पाठ योजना मनोरंजन खेल होते हैं उसी प्रकार जो विशिष्ट पाठ योजना होता है उसमें लीड अप गेम होता है, कौन सा गेम? लीड अप गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार क्रिकेट में विकेट कीपर होता है उसी प्रकार बेसबॉल में क्या होता है? तो उस प्रकार बेसबॉल में दोस्तों कैचर होता है, कैचर। नेक्स्ट है जिस प्रकार कबड्डी में रेडर होता है उसी प्रकार खो खो में क्या होता है? खो खो में जो दौड़ाता है उसको हम क्या कहते हैं? चेजर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिस प्रकार बैडमिंटन के लिए थॉमस कप होता है उसी प्रकार टेबल टेनिस के लिए क्या होता है? थॉमस कप क्या है? पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता है एंड बैडमिंटन के लिए, उसी तरह टेबल टेनिस में आपका
स्वेटलिंग कप होता है, स्वेटलिंग कप। नेक्स्ट दोस्तों, जिस प्रकार फेफड़ों के लिए एल्वोलाई होता है उसी प्रकार गुर्दों के लिए यानी किडनी के लिए क्या होता है? तो दोस्तों सबसे छोटी इकाई है फेफड़ों की एल्वोलाई, और एल्वोलाई में जो होता है वो गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। और उसी प्रकार जो गुर्दे यानी किडनी की सबसे छोटी इकाई है वो नेफ्रॉन होती है, जहाँ नेफ्रॉन में यूरिन का निर्माण होता है। तो नेफ्रॉन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार टेनिस के लिए विंबलडन है उसी प्रकार बैडमिंटन के लिए क्या है? तो बैडमिंटन के लिए आपका ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जिसे विंबलडन ओपन जो है टेनिस के लिए सबसे बेस्ट ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, उसी प्रकार बैडमिंटन के लिए ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार हृदय के लिए एंडोकार्डियम है उसी प्रकार चमड़ी के लिए क्या है? तो हृदय तीन मांसपेशी परतों से बना होता है, एपिकार्डियम यानी कि पेरिकार्डियम भी बोलते हैं उसे, दूसरा मध्य परत होता है मायोकार्डियम और आंतरिक परत होता है एंडोकार्डियम। उसी तरह हमारा जो त्वचा होता है बाहरी परत को, त्वचा के बाह्य परत को डर्मिस और आंतरिक परत को उसके नीचे के लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। यहाँ पे एपिडर्मिस नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट दोस्तों, जिस प्रकार गुर्दों के लिए नेफ्रोलॉजी है यानी गुर्दों यानी किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, उसी प्रकार मस्तिष्क के लिए क्या है? तो मस्तिष्क के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों, जिस प्रकार हड्डियों के लिए फीमर है उसी प्रकार मांसपेशियों के लिए क्या है? तो फीमर क्या है? हमारे शरीर की सबसे लंबी और भारी अस्थि है। उसी प्रकार हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल्स कौन सी है दोस्तों? तो सार्टोरियस है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस प्रकार अमेरिका में टेनिस के लिए यूएस ओपन है उसी प्रकार फुटबॉल के लिए क्या है? दोस्तों फुटबॉल के लिए यूएस कोपा कप है। क्या है? कोपा कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जिस प्रकार ओलंपिक के लिए पैनाथेनिक है उसी प्रकार एशियन खेलों के लिए क्या है? तो पैनाथेनिक क्या है दोस्तों? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो है 1896 में जो है यूनान के एथेंस नामक स्थान पर पैनाथेनिक स्टेडियम में हुआ था। उसी प्रकार एशियन खेल पहला कहाँ पे हुआ था? तो नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। यहाँ पे नेशनल स्टेडियम आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज के लिए 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, एंड डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय।